दोस्तों, आप ट्रेन से यात्रा तो करते ही होंगे। अगर आपने गौर किया हो तो पैसेंजर ट्रेनों की अपेक्षा गुड्स ट्रेन यानी कि मालगाड़ियाँ काफी लंबी होती हैं। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि पैसेंजर ट्रेनों में डिब्बे कम क्यों होते हैं और मालगाड़ियों में ज्यादा? दरअसल भारतीय रेलवे में लूप लाइन की मानक लंबाई 650 मीटर होती है, जिसमें ट्रेन के फिट होने के लिए ट्रेन की लंबाई 650 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक औसत कोच की लंबाई 25 मीटर की होती है। इस वजह से कुल 650 मीटर में ज्यादा से ज्यादा 24 कोच और एक इंजन ही आराम से समायोजित किया जा सकता है। इसीलिए पैसेंजर ट्रेनों में अधिकतम 24 कोच होते हैं। अब बात करते हैं मालगाड़ियों की। दोस्तों, मालगाड़ियां उन चुनिंदा स्टेशनों पर ही रुकती हैं जहां से माल लोडिंग अनलोडिंग की सुविधा हो। अगर उन स्टेशनों के हिसाब से देखा जाए तो इनके लूप लाइन की लंबाई अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक मालगाड़ी बॉक्स, बॉक्सन और बॉक्सन एचएल के वेगनों की लंबाई लगभग 11 से 15 मीटर की होती है।